कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और जय माता दी आप सभी को। और हम रात का समय हो रहा है अभी और यहाँ पर हमारा हीटर जल रहा है। हेलो दोस्तों, कहीं कहीं जो थे मैं हीटर का मजा ले रहा हूँ क्योंकि ठंड कड़ाके की पड़ रही है। और यहाँ पर है ना, मुंह से जो सांस निकलते है ना उससे धुआं भी बन रहा है। और मैं आपको बताएगी हम हीटर के पास बैठ के कैसे अपनी ठंड दूर करते हैं। और अब मैं भी आ गया हूँ अपनी ठंड दूर करने। तो बहुत ठंड हो रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं मम्मी पापा अपने हाथ तप रहे हैं। और आज मैंने अपनी दाढ़ी बना ली है। मैंने दिवाली के पहले दाढ़ी कटवाई थी और आज कटवाई है अब। तो दोस्तों, इस दाढ़ी की वजह से मेरी मूछें, मैं दूध पीता था तो वो मूछें उसके अंदर लग जाती थी तो मेरी मूछें भी दूध पीती थी। क्या करता मैं, इसलिए मैंने अपनी मूछें थोड़ी सी हल्की करवा ली और दाढ़ी भी साफ करवा ली। कैसा लग रहा हूँ दोस्तों दाढ़ी बनाने के बाद? सुबह हमने लौंडा लग रहा हूँ ना, पहले मैं बूढ़ा लगता था, अब मेरी डार्लिंग के साथ बैठा हुआ हूँ, अच्छा लग रहा हूँ ना, वरना मैं ऐसा लगता था इसके बाप के जैसा। सुबह हमने बनाया था कड़ी, दलिया, थूली बोलते हैं वैसे, वैसे मारवाड़ी में उसको थूली बोलते हैं और वैसे दलिया बोलते हैं, लेकिन गुड़ वाला दलिया बनाया था और पकौड़ी वाली कड़ी बनाई थी। कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारा हीटर कैसा लगा, ISI मार्क का है। अगर साल भर से पहले इसमें कुछ खराब होता है तो आप इसको रिटर्न करवा सकते हैं। किताबें भी देख लीजिए दोस्तों। आज मेरी बच्ची चौथी क्लास में आ चुकी है क्योंकि उसका साल खराब हो रहा था तो उसको अभी बीच में ही एग्जाम लेकर के उसको चौथी में ले लिया। कैसा लगा आपको मेरी बच्ची आगे आ गई है? हैप्पी हैप्पी। तो किरण आप अपनी किताबें दिखा दीजिए। मैं मेरी बच्ची को कल इस चीज की मिठाई खिलाऊंगा, वो चौथी में आ गई। लोग भी सेलिब्रेट कीजिएगा हमारे संग YouTube फैमिली। और दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा मेरा दोस्तों। मम्मी धन्यवाद कर रही है आपको। और मैं अपनी बुक्स दिखा देती हूँ। मम्मा आप ब्लॉग शूट करोगे? हेलो दोस्तों, कैमरा मैंने ले लिया है क्योंकि किरण आपको किताबें दिखाएगी आज, उसको कौन सी न्यू किताबें मिली है फोर्थ की। और इसके हमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, पर देंगे। और ये है मेरी साइंस की। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए बच्चे की दोस्तों, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ही बहुत डिस्टर्बेंस आ चुकी है लाइफ के अंदर। और ये इंग्लिश है, ये व्याकरण है, ये ग्रामर है, ये कंप्यूटर है, और ये जीके, ये वाली सोशल स्टडीज। बहुत हार्डली वर्किंग है आजकल के बच्चों की फोर्थ की पढ़ाई भी, तो उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा गाइस। और इसमें देखिए यहाँ पर हमारे भारत का मैप भी है जैसा कि आप देख रहे हैं। और जय हिंद भारत, सैल्यूट कर दो आर्मियों को। जय हिंद, वेरी गुड माय सन। और मैं आपको इसमें बता दूँ इसमें क्या क्या है। ये देखिए सेंटा है और मेरे खांसी हो चुकी है गाइस। पापा ये हिमालय के पहाड़ है एवरेस्ट। दोस्तों ये एवरेस्ट है और ये कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर देखिए नाव है बड़ी, गंगा नदी हो दोस्तों, ये गंगा नदी है। और किरण ने न्यू टोपा भी लगा लिया है, न्यू नहीं कह सकते हैं पर इसका वो वॉश हो चुका था पहले वाला टोपा, तो हमने कैप निकाल के इसको दे दी है। और ये रहा हमारा वापिस एक और आ गया है भारत का मैप। और ये देखिए कितनी सारी चीजें हैं। और ये ऊँट है, ऊँट पे है ना वो आदमी बैठे हैं और ऊँट चला रहे हैं, रेगिस्तान में ऊँट चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं और ये इंडिया है अपना। और ये देखिए
और अब मैं दूसरी बुक, बस थोड़ा धीरे धीरे करके ही दिखाएंगे गाइस को, क्योंकि ब्लॉग कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी अब हमारे पास थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये देखिए, तो कल गाइस को आप क्या खिला रहे हैं? मिठाई। कौन सी मिठाई? कौन सी? और अभी अपन ढाबे से क्या लेके आए हैं? रोटी सब्जी। हेलो गाइस, मैंने सब्जी बना ली थी, सुबह की भी बची हुई थी थूली कड़ी, और फिर ठंड इतनी तेज है कि हाथ पैर ही नहीं चल रहे, तो हम चपाती ढाबे से लेके आ गए। क्या करें, यही लाइफ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो इसमें कुछ है नहीं, ये दिखा देती हूँ मैं। बाहर का व्यू दिखा दो एक बार। हीटर दिखा देना, किताबें तो रख देना। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। अभी रात का समय है और आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों, ये हमारा नया कैलेंडर आ चुका है, जनवरी 2022। और आज शायद 12 तारीख है आज, कल 13, यानी परसों को है ना, शुक्रवार को सक्रांत है, मकर संक्रांति है। आप सभी को मैं अभी एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति कहती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये हमने गोविंद देव जी भी है, गोविंद देव जी के दर्शन कर लीजिए। और चलिए अंदर की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, बंद हो जा गेट। आओ फ्रेंड्स, मीटर की हवा खा लीजिए गरम। दोस्तों कुछ इलाज बताइए मेरी मिसेज का। मेरी मिसेज को भूख नहीं लगती है, इसको रोटी छोटी की भी भूख नहीं लगती, पता नहीं किस वजह से ये पतली हुई जा रही है। कोई इलाज बताइए प्लीज, मैं इसको थोड़ा हष्ट पुष्ट देखना चाहता हूँ, जब ये अच्छी लगती है। और दोस्तों जैसा कि आप, हेलो गाइस, बात बात में खून पीते रहे कोई इंसान तो कैसे इंसान मोटा होएगा। हम दोनों मजाक चलती है यार, दोनों मजाक नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। हमारी शादी का जन्मदिन आने वाला है अगले महीने 15 फरवरी को, थोड़ा सरप्राइज रखना पड़ता है। कोई बात नहीं, जिंदगी की सरप्राइज है, और सरप्राइज चलता और है। परसों शुक्रवार है और परसों है ना मकर संक्रांति है। और मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। परसों मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। परसों दान पुण्य भी होता है, परसों पतंगे भी उड़ती है, गायों को चारा डाला जाता है, पक्षियों को दाना डाला जाता है, और गरीब लोगों को दान किया जाता है। और इस ब्लॉक में हम हनुमान जी के छोटी सी पतंग भी भेंट करेंगे। और दोस्तों ब्लॉक कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम अभी, हेलो गाइस, मेरे को भगवान ने गरीब रखा है, गरीब नहीं बोल सकती पर इतना ही दिया है कि मैं खुद के लिए ही कर सकती हूँ, अपने परिवार के लिए कर सकती हूँ। अगर मुझे ज्यादा दिया होता ना तो आज मैं ऐसे हीटर गरीबों में जरूर बांटती, मेरी दिली तमन्ना है, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। और दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मम्मी की बाय बाय। आप लोग चाहते हो तो ये सब कुछ पूरा हो सकता है गाइस, मेरे सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, मेरे घंटे पूरे करवा दीजिए। मैं जो विश इस ब्लॉग में बोल रही हूँ मैं जरूर पूरा करूँगी, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आता है और दिल भी उसके पास होता है ना, तो वो बहुत कुछ करता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, जय माता दी बोलते हुए।